लडेरवा करके रखे हैं, इतना लडेरवा करके रखे हैं कि हमको खोखना दुलम यहाँ है, हम रखेल बन करके बैठे हैं आशा सब लोग, मतलब रखेल बना कर रखा गया, रखेल बना करके रखा गया है, इतना डराया गया है, इतना कौन विषय में, यहाँ से भाग गई विषय में, भाग गई यहाँ से, कौन है विषय का कुर्सी, कौन है आप बताइए तो, कौन है कुर्सी विषय का, कौन सा कुर्सी बीसीएम का, अच्छा ये बीसीएम का कुर्सी है, कुर्सी भाग गई, भाग गई प्रभारी के डेरा में, प्रभारी के डेरा ले चलिए, प्रभारी का कौन सा है, प्रभारी को ऑफिस कौन सा लेकर चलिए, यहाँ के जितना अधिकारी है सब दलाल और चोर हैं, सबसे पैसा लिया जाता है, सुई बेच दिया जाता है, दवाई बेच दिया जाता है, प्रभारी के पास ले चलिए, प्रभारी कहाँ रहता है ले चलिए, तो प्रभारी के ऑफिस में हाँ 1 लाख 1.5 लाख है, 50,000 है, तो दलाली कौन सा बात का, ये हॉस्पिटल हम लोग के लिए नु है, यहाँ अधिकारी के लिए है, यहाँ जितना अधिकारी है सब डिलीवरी पर, ये तो 500 रुपया बोली, एक डिलीवरी पर यहाँ 2500 से 2600 रुपया लिया जाता है, बाप रे बाप, 2500 से 2600, 500 तो आपको नार कटाई हो गया, 200-300 रुपया पुर्जा बनाई, 30 रुपया सुई दिलो से ले लो, ओकरा बाद सुई दिलो नर्स लो तो 30 रुपया ली लो, बाप रे बाप, आ जे उठा के सुतावे खातिर लिया उ 60 रुपया ली, जे उठा के सुतावे ला वो 60 रुपया ली, 60 रुपया ओकरा चाहिए, तो सबन के किराया फिक्स कर दिए थे, स्पष्टीकरण लेकर आए थे, रिसीव नहीं की, ई भेजी प्रभारी के पास, प्रभारी भेजे इनके पास, नहीं थी नहीं आई थी हॉस्पिटल में, सर के पास गए, पैसा ये लोग दे दे तो इन लोगों का नौकरी फिक्स हो जाएगा, ये आप मुद्दा पर आते हैं मैडम, मुद्दा पर, मुद्दा की बात नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपया दे करके बाकी 45 लोगों के ऊपर लगातार आरोप, परफॉर्मेंस की बात है, डॉक्टर आते हैं हाजिरी चढ़ जाता है चल जाता है अपना प्राइवेट क्लिनिक, बरौली में भाई क्या होता है, क्या होता बरौली में भाई, क्या होता है दलाली चलता और कुछ नहीं, क्या चलते हैं दवाई होने के, दलाली चलता, दलाली चला, दलाल स्वास्थ्य केंद्र, हाँ दलाल स्वास्थ्य केंद्र, हाँ अजीत कुमार गिरी रेवा देखा था भोजपुरिया झकोरा, अभी हम पहुंचल बानी बरौली PHC में, और आशा लोग के साथ जौन हैवानियत होता, आशा लोग के साथ जौन ए जी व्यवहार होता, वो तमाम बातचीत करे आशा बारी हमारे साथ में, क्या नाम बराबर, सुगांती देवी सरिया नरेंद्र का आशा हूँ, क्या समस्या है आपके साथ, समस्या ये है कि मेरा 6 महीना पहले ID बंद करके रखे हैं, हम गए DM साहब के पास, DM साहब के पास गए तो हम दिखाए कि हम लोग काम कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से 00 रिपोर्ट करके भेजे हैं CS के पास, सिविल सर्जन के पास, DM के पास, बोल रहे हैं कि ना उनसे वहाँ से चिट्ठी आया है, तो हम जब लोग डिलीवरी ले करके यहाँ आते हैं तो 500 रुपया लेते हैं, तब तो नार काटते हैं लोग, नार कटाई 500 रुपया लेता है, कौन 500 रुपया लेता है, यहाँ के नर्स लोग 500 रुपया लेते हैं, 500 रुपया लेते हैं, जब पैसा नहीं देने पर उनका परसेंटा पेटे में रह जाता है, जो मरीज सीरियस होता है तो जिला में भेजते हैं लोग, देखिए आशा का खुलासा, आशा का खुलासा, आशा का खुलासा बरौली PHC से, आशा खुलासा कर रही है कि 500 रुपया बरौली PHC में नर्स लोग लेती है, नहीं तो पेटे में बच्चा रख दिया, ऐसा बड़ी सुना नर्स अस्पताल के, जब हम लोग जाते हैं जिला में जो उनका बच्चा डेट कर जाते हैं चाहे मरीज डेट कर जाते हैं, तो हम लोग अब अगर जब क्षेत्र में अगर 3 डिलीवरी एक घर के है और उनका घर घटना जब घट जाते हैं तो मरीज हमको नहीं पूछता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे पास उतना दीदी पैसा कहाँ से है, जब तो हम अस्पताल में जब आते हैं तो ये सब लोग हम लोग पर बहुत जलते हैं लोग कि ये आशा खराब है, पैसा नहीं दिवा रही है, इनको ट्रांसफर कीजिए यहाँ से, इनको नौकरी से हटा दिया जाए, हैं तो नहीं हम गांव के रहा मरीज के पास आ नहीं अस्पताल को रहे, हम रखेल बन करके बैठे हैं आशा सब लोग, मतलब रखेल बना कर रखा गया, रखेल बना करके रखा गया है, इतना डराया गया है, इतना डराया गया है कि कोई भी आशा खुलासा नहीं बोल रही है, आगे से पैसा नहीं दे रहे हैं बगैर पीछे से पैसा दे रहे हैं, हम लोग पर चिट्ठी निकला है 40-42 आदमी पर, 40-42 आदमी हम लोग 5 लोग हैं एवरा नजर में, इनका मतलब प्रभारी के नजर में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और 40-45 के ऊपर चिट्ठी निकला है, निकला है, किस बात का चिट्ठी है, जो भी आशा पैसा दे दिए हैं वो आशा बहुत होशियार है, वो अच्छा काम कर, चलाक है, जो पैसा दे रही है वो चलाक है, हम जो पैसा नहीं दे रहे गुर्बक दे रहे हैं, प्रभारी साहब बार वो तो गर्दा उड़ा देनी बरौली में, वो तो विधायक से आगे होगी, अगला चुनाव रोवे लड़ी प्रभारी साहब, अगला चुनाव विधानसभा के रोवे लड़ी, वो आशा आशा जो है वो अच्छा नहीं है, दूसरा बहाली किया जाएगा, ऊपर DM का सिविल सर्जन सर का चिट्ठी है, तो यहाँ से पदकारी जो भी है दलाल वो बोल रहे हैं कि DM साहब को हम पैसा दे रहे हैं, सिविल सर्जन सर को पैसा दे रहे हैं, तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे,
हम तो जरूर पैसा लेंगे। जब ऊपर पदाधिकारी पैसा ले रहे हैं तो हम क्यों पैसा नहीं लेंगे? तो बताइए कि हमरा के साल भर का कमीनी है 20,000 रुपया। हम 20,000 रुपया जब हम अस्पताल में दे देंगे दिन रात मच्छर माछी से कटवाते हैं तो 600 रुपया मिलता है। 600 रुपया में प्रतिदिन 300 रुपया फसलेटर ले लेती है रिपोर्ट का। 30 रुपया यहाँ जमा करते हैं तो मरीज को पैसा जाता है, मतलब पैसा का खेला है। पैसा का पैसा खेला आप लोग नहीं देती हैं इसलिए चिट्ठी निकला हुआ है। जो भी यहाँ के स्टाफ है वो दलाल है। दलाल है हाँ। देखिए जब हम बोल रहे हैं मीडिया वाला से तो देखिएगा हम लोग पर कितना दुश्मनी होगा, इनको निकाला जाए ये अच्छा आशा नहीं है। पहले चिट्ठी निकला कि तुम्हारा उम्र कम है, 20,000 रुपए मांग किए गए कि तुम्हारा उम्र कम। 20,000 रुपए का मांग किया यहीं पे प्रभारी मांग किया है जी। प्रभारी 20,000 रुपए का मांग किया, चुपचाप रहिए। प्रभारी 20,000 रुपए मांगने की उम्र कम है, नौकरी चला जाएगा। तुम्हारा उम्र 13 साल का उम्र में तुम नौकरी की है? हमने सर नहीं, मेरा 13 साल का उम्र पर शादी नहीं हुआ होगा, हम किसे 13 साल पर हम नौकरी कर लेंगे? फिर भी हम लेकर गए गोपालगंज अपना सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, तो वो हमारा 10/3/77 का मेरा जन्म तिथि है तो वो ठीक हो गया। फिर यहाँ से चिट्ठी गया कि वो काम नहीं करती है, घर पे बैठी रहती है। तो जितना हम काम किए हैं वो सब ले जाकर हम लेकर गए गोपालगंज दिखाने के लिए कि सर हम इतना काम किए हैं। तो आप बोल रहे हैं सर कि नहीं तुम हमारे विरोध में गई है अथी गोपालगंज डीएम के पास, तो जाओ उधर से। फिर चिट्ठी आ गया है कि इन लोग का हटाया जाए, इन लोग तुम लोग का चयन मुक्त हो गया है। 42 आदमी में जो जो पैसा दे दी वो उसका नाम कटत गया। अब हम लोग पैसा नहीं दिए हैं तो इसी के चलते क्या तुम लोग का फिर आईडी, जनवरी तक मेरा पैसा पेमेंट चला गया है अब फिर मेरा आईडी बंद हो गया, कहा था किसी भी सर्जन बंद किए हैं। पैसा मांगा जा रहा, मोबाइल जो आप लोगों को मिला है, मोबाइल आया है तो आशा फैसिलिटेटर बोल रही है कि 500 रुपया लगेगा तब मोबाइल मिलेगा। हाँ जी 500 बेच देंगे पर भाई सब मोबाइल बेच देंगे, बेच देंगे। नहीं तो बोलिए नहीं। हम इतने कौन है संगीता दीदी से है कि दीदी ठीक बा 500 रुपया देम सन तो हमें सबूत मिली नू तो हमारा इतना ना डट लियो, इतना ना डट लियो हद से ज्यादा। सबूत खोजा था नहीं, दलाली दे के सबूत खोजे, दलाली के कोनो सबूत होला? डीएम साहब जो पैसा लेंगे तो हम क्यों पैसा नहीं लेंगे? डीएम साहब पैसा लेते हैं? हाँ पैसा लेते हैं। कौन बोल रहा है ये बात? यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं, प्रभारी बोल रहे हैं, पीएससी प्रभारी। हम हमका हाथ से रजिस्टर छीना गया है कि नहीं आपको चयन मुक्त कर दिए हैं, तो हम बोले कि कौन कर दिए हैं मैडम? आ तो सिविल सर्जन सर का चिट्ठी है, वो चयन मुक्त हो गया। चिट्ठियाँ नहीं मांगे, चिट्ठियाँ कहाँ है? वो मांगे हैं, चिट्ठी नहीं दिया है, नहीं भाग गया। जब चयन मुक्त सर हो गया हम लोग आया तो हम लोग से काम क्यों लिया जा रहा है? ऑपरेशन पर ऑपरेशन खातिर दबाव दिया जा रहा है। हम ऑपरेशन लेकर के आते हैं तो 50 रुपया फॉर्म भरने का लगता है, आप पहले 1 रुपया नहीं लगता है। बाकी लोग निमन बात ऐसा को रखेल बना करके यहाँ के स्टाफ रखते हैं, सभी ऐसा यहाँ से डरा हुआ है, कोई ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बना कर रखे हुए हैं? रखेल बना करके रखे हैं यहाँ के आशा लोग, डरवा करके रखे हैं, इतना ना डरवा करके रखे हैं कि हमको खोखना दुलम यहाँ है। चिट्ठी ठीक बा निकलल हमनी पर, चिट्ठी के जवाब मांगनी लो, चिट्ठी के जवाब लेकर अनि सन जमा करे तो प्रभारी भेजे तनी वीसीएम के लगा, वीसीएम भेजे तनी प्रभारी के लगा। कैसा ड्रामा चल रही है? श्रीराम सेना के जिला संयोजक विनोद जी हमारे साथ, विनोद जी आइए इधर। इसके लिए ये सारा आशा जो है इन लोग के यूनिटी सही नहीं है। एक आशा से दलाली लिया जाए, दूसरा आशा को मिला के प्रभारी रखता है, उसके बाद अधिकारी मिला कर रखा जाता है। ये हॉस्पिटल नहीं है, इसको अलग रूप में देखा जाता है। मैं समझ रहे हम नहीं कहना पाते हैं, अलग डिपार्ट इसको बना कर, हॉस्पिटल वाला डिपार्ट नहीं नहीं हॉस्पिटल वाला डिपार्ट है, दूसरा डिपार्ट बना, दूसरा डिपार्ट बना कर, दूसरा बना कर रखा गया यहाँ। इसके लिए आज एक आशा बोली नू, इसलिए हम सपोर्ट में आए, श्रीराम सेना इसीलिए सपोर्ट में आया, हम लोग कभी आते नहीं थे। यहाँ क्या होता है क्या नहीं, बाकी आज पूरा नाजायज के यहाँ के जितना अधिकारी है सब दलाल और चोर है, सबसे पैसा लिया जाता है, सुई बेच दिया जाता है, दवाई बेच दिया, यहाँ से क्या क्या रहना। तो हम लोग धरना प्रदर्शन आशा के साथ खड़ा होकर हम लोग करेंगे, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं, इनको सपोर्ट में करेंगे। आशा को पैसे के अब सुनने में आया कि मोबाइल दिया जाता है, 500 रुपया लिया जाए, मोबाइल सरकार ने दिया है कि रुकिए ना, ये छोटा सा पैसा लेने वाला कौन है, एक कौन अधिकारी है पैसा लेवे ना, सरकार दिया है कि आशा लोग को मोबाइल, तो ये 500 रुपया मांग रहे कि 500 रुपया दीजिए और उसके बाद हम आपको मोबाइल देते। ये लोग बोले कि आप लोग हमारे को प्रूफ दीजिए, तो कहता कि नहीं रिसीव मोबाइल देंगे उसको कराएंगे, बाकी 500 का 500 वो लोग को जेब में जाए, दलाली के जाएगा, दलाली है उन लोग को बहन बेटी के शादी करने के लिए वो मांग रहे हैं, चंदा मांग रहा है 500 रुपया चंदा आशा से। जब उन लोग का तनख्वाह 1-1.5 लाख है, 50,000 है, तो दलाली कौन सा बात का।
ये हॉस्पिटल हम लोग के लिए नु है, यहाँ अधिकारी के लिए है, यहाँ जितना अधिकारी सब दलाल है। यहाँ यहाँ का डीएम सीएम जो है अब यहाँ का अधिकारी ऐसे लोग बोल रहे हैं ऊपर पैसा, ऊपर कौन पैसा मांगता है? कोई पैसा नहीं मांगता, या डीएम मांगता होगा ना सिविल सर्जन मांगता होगा, कोई नहीं मांगता है। ये सब तो बदनाम कर रहा है, ऊपर अधिकारियों को, अधिकारियों के बदनाम किया जा रहा है, आशा के द्वारा बदनाम किया, ये चीज नहीं होगा। ये सारे आशा से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं सबको एक हो। हम तो यही कहेंगे हॉस्पिटल के लिए कि यहाँ आशाओं के प्रति सौतेला व्यवहार ही किया जा रहा है, किया जा रहा है ना, एकदम सौतेला व्यवहार है। यहाँ आशा का कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, ये तो बता ही नहीं कि रखेल बना कर रखा जा रहा है। यहाँ दबाव में आशाओं को रखा जाता है और उनको यही धमकी दी जाती है कि अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाती है तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ये धमकी दिया जाता। और एक डिलीवरी पर, ये तो 500 रुपया बोली, एक डिलीवरी पर यहाँ 2500 से 2600 रुपया लिया जाता है। बाप रे बाप, 2500 से 2600, 500 तो आपको नार कटाई हो गया, 200-300 रुपया पुर्जा बनाई हो गया, ठीक है। ऐसे करके जब बच्चा को छुटकारा दिया जाता है तब तक उनको क्या होता है, 25-26-3000 भी चला जाता है, ऐसा होता है। ना यहाँ दवा मिलता है, ना सुई दिया जाता है, सब प्राइवेट उधर भेज दिया जाता है लिख करके खरीद कर लाओ। खरीद बताइए कि एक आशा को डिलीवरी पर, एक आशा को अगर इशू कराती है 9 महीना से करके तो उसको 600 रुपया मिलता है, 600 रुपया मिलता है। और यहाँ पर जो है नर्सों द्वारा उनको लूट लिया जाता है और धमकी दी जाती है, धमकी दिया जाता है आशाओं को, ये तो सही बात नहीं है। 50 रुपया फार्म भराई, ऑपरेशन जब होला तो हाँ फार्म भराई तो 50 रुपया, सुनिए 30-30 रुपया सुई दिलो से ले लो, ओकरा बाद सुई दिलो नर्स लो तो 30 रुपया ले लो। बाप रे बाप, आ जे उठा के सुतावे खातिर ले आई 60 रुपया ली, जे उठा के सुतावे वो 60 रुपया ले, 60 रुपया ओकरा चाहिए, तो सबन के किराया फिक्स बा। हां नहीं, आ चादर के बेवाली के सिवा कुछ नहीं है अस्पताल में बरौली। देखिएगा हम जो यहां बोल रहे हैं, देखिएगा हमको इतना सब लोग बकुलाएंगे, यहाँ के जो भी स्टाफ है बकुलाएगा, कोई नहीं बकुलाएगा, आप मेरा नंबर रखिए। से निकल गया है, मुझे साइन करने नहीं दिया है, रजिस्टर छीन कर बीसीएम धा देता है। बीसीएम बोलते हैं कि प्रभारी के पास जाओ, बीसीएम के पास जाए, वहाँ बैठे हैं। कौन है बीसीएम? कौन बीसीएम? तो यहाँ से भाग गई, बीसीएम भाग गई यहाँ से। कौन है बीसीएम का कुर्सी? कौन है आप बताइए तो, कौन है कुर्सी बीसीएम का? कौन सा कुर्सी बीसीएम का? अच्छा ये बीसीएम का कुर्सी है, कुर्सी में भाग गई, भाग गई प्रभारी के डरा में, प्रभारी के डरा ले चलिए। प्रभारी का कौन सा है? प्रभारी का ऑफिस कौन सा लेकर चलिए? बीसीएम भाग गई यहाँ से, प्रभारी कहाँ रहता है? प्रभारी के पास ले चलिए, प्रभारी कहाँ रहता है ले चलिए तो प्रभारी के ऑफिस में। ये कैसे महिलाओं के साथ जो है, प्रभारी के इतना पहुंच है कि कुछ भी कर देंगे, मत बोलिएगा, डर के रहिएगा। धमकी दे रहा है ना, सिर्फ धमकी का सिवा कुछ नहीं है। कौन है प्रभारी को? यही प्रभारी से में रहते हैं जी। प्रभारी साहब, प्रभारी में रहे नीनू? हाँ। प्रभारी साहब ऑपरेशन में चल रही है। अच्छा प्रभारी साहब ने किए, मैं बीसीएम साहब क्या ने मानी? मैडम क्या मामला है, ये जो आशा लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर भी और प्रभारी के ऊपर भी, क्या मामला है? क्या इनको चयन मुक्त कर दिया गया है? हाँ ये देखिए, सिविल सर्जन सर का पत्रांक 8 है, इनसे मतलब एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, कुछ काम इन लोगों के द्वारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जी जी, ये देखिए पत्र देख लीजिए, एक मिनट देख सकते हैं मैडम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए ना, इसमें इसमें क्या चयन मुक्त करने का आदेश है? चयन मुक्त करने का आदेश है। उपरोक्त में कहना है कि समय सूचित किया जाता है कि किया गया कि विगत 6 माह से आप सभी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को सेवा उपलब्ध नहीं कराया गया, अतः आप सभी निर्देशित हैं कि पत्र प्राप्ति के साथ ही 24 घंटे के अंदर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से अधिवस्तक्षारी कार्यालय को अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दे गए तिथि में आपकी इस स्पष्टीकरण जवाब प्राप्त नहीं होता है तो मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, चयन मुक्त हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैडम अभी तो चयन मुक्त का चिट्ठी नहीं है मैडम, ये दोनों चिट्ठी दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी हो गया, एक मिनट इसके बाद हम आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं, एक मिनट। चयन मुक्त का जो है कि ये आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन चयन मुक्त का चिट्ठी अभी मैडम निकाल रही हैं, जो जो है कि चयन मुक्त का ये कह रही है कि चयन मुक्त का कितना बोल रही थी वो सब, चयन मुक्त का अभी जो है कि चिट्ठी मैडम निकालेंगी और बता रही हैं कि इन लोगों को चयन मुक्त किया गया है। कैमरा ऑन रखिएगा, मीडियम ब्रीफिंग भी है जिला स्तर का जिसमें चयन मुक्त किया गया है, किस आधार पर किया? मीडिया ब्रीफिंग ही दिखा दीजिए, जानकारी होना चाहिए ना, मीडिया ब्रीफिंग ही दिखा दीजिए।
यहाँ आरोप लग रहा है कि जो मोबाइल आया हुआ है सरकार की तरफ से देने का, उसमें 500 रुपया आप ले रही हैं। नहीं, अभी तो मोबाइल वितरण किए हैं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। हाँ जी, 500 रुपया एक और है कि नहीं लिया जा रहा है? बुलाइए, इधर आइए, यहाँ खड़ा होइए। बीसीएम है आपकी, बीसीएम साहब ने है? बिल्कुल बिल्कुल, बीसीएम साहब है, आइए इधर। 500 रुपया एक और है कि हम नहीं ले रहे हैं मोबाइल का, झूठा आरोप है। आशा फैसिलिटेटर मांगल हलो, आशा फैसिलिटेटर मांगल, आशा फैसिलिटेटर मांगल, क्या नाम है? हमनी के नेहो खातून कह लियो, आ ऊपर से संगीतो दीदी, आशा फैसिलिटेटर के द्वारा लिया जा रहा है, आपके सामने कह रहा हूं, आशा फैसिलिटेटर पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह की सूचना मिल रही है तो ये लोग हमको लिखित कंप्लेन कर रहे हैं। क्या नाराजगी है, क्या आप आरोप लगा रही थी? बीसीएम साहब क्या रजिस्टर छीन ली? रजिस्टर छीन ली, बोल रही है कि आपका सिविल सर्जन सर चयन मुक्त कर दिए हैं। चिट्ठी नहीं है अभी तो, चिट्ठी मैडम खोज रहे हैं। तब बोल रहे हैं कि सिविल सर्जन सर आपका चयन मुक्त कर दिया, हम साइन नहीं कराएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि मैडम, तब हम उससे काम क्यों लिया जा रहा है? एक मिनट रुक जाइए, चिट्ठी मिला है, चिट्ठी पढ़ लेने दीजिए, आप पढ़िए। एक मिनट मैडम, जल्द पैसा आ जाए। तो बताइए कि चिट्ठी कब का है? ये 19/1/2023 के डेट में साइन है। ये तो जनवरी का ही चिट्ठी निकला हुआ है, तो जनवरी से लोग काम नहीं कर रहे हैं? दिखाएंगे कागज, हम दिखाएंगे, जनवरी में चिट्ठी निकला हुआ। चिट्ठी पढ़ ले। अच्छा ठीक है, जनवरी इसमें है, पूनम देवी है सिकटिया की, उमरावती देवी है कहला की, जगरानी देवी है कहला की, सुगांती देवी है सरिया नरेंद्र की, आप ही सुगांती देवी है? अच्छा, उसके बाद द्रौपदी देवी है, कांति देवी है, शारदा देवी है, मीता देवी है, प्रेमी देवी है, रेणु देवी है, ये सब लोग संबंधित के द्वारा किया जाता है कि रिक्त स्थान में कोई एक माह के अंदर नई आशा कार्यकर्ताओं का चयन सारे नियम का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए, सभी चयन को सुनना प्रेम सभी। तो आप 1 जनवरी को जब ये चिट्ठी निकला था, इनको सूचना आपने दिया है? ये तो है, यहाँ ये सिविल सर्जन स्पष्टीकरण मांगा गया। जब हम स्पष्टीकरण की बात करें आपसे, तो ये बताना चाहेंगे कि स्पष्टीकरण सिविल सर्जन सर को इन लोगों को डायरेक्ट देना है, हालांकि आपको हम चिट्ठी भी दिखा चुके हैं। तो ये चिट्ठी जब इन्होंने नहीं दिया है सीए सर को, तो वहाँ से चयन मुक्ति के आदेश हो गया है। आप लोग चिट्ठी दिए थे स्पष्टीकरण लेकर आए थे, रिसीव नहीं की, ये भेजी प्रभारी के पास, प्रभारी भेजे इनके पास, नहीं थी, नहीं आई थी हॉस्पिटल में, सर के पास गए। हम लोग चिट्ठी लेकर जाकर से आप ड्यूट लगाओ, तो वो भी लगा भोर भात के यहाँ से कौन बोला? यही बोल रहे हैं प्रभारी साहब, बोल रहे हैं भोर भात करके, हमको समझ में यार नहीं रहा। 19 तारीख को ये चिट्ठी निकल गया, जनवरी में चिट्ठी निकला, हम लोग साइन करवाई है कि नहीं, काम कराई है कि नहीं, ये बताइए। काम करवाई है तो फिर कैसे ये चिट्ठी निकली? क्या आप साइन कराई है हमसे? पिछले मंगलवार की बात नहीं है, हम अपने ये आदेश का पालन कर रहे हैं सिविल सर्जन सर। पूरा तरीका से गोलमाल लग रहा है इसमें, आपको बता दे, पूरा तरीका से गोलमाल लग रहा है। मैडम एक सवाल आपसे पूछेंगे, एक सवाल पूछेंगे, चुपचाप रहिए। कितना पैसा ये लोग दे दे तो इन लोगों का नौकरी फिक्स हो जाएगा? ये आप मुद्दा पर आते हैं मैडम, मुद्दा पर, मुद्दा की बात नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 20,000 रुपया दे करके बाकी 45 लोगों के ऊपर लगा था आरोप। परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस की बात है, ये लोग काम अगर सही तरीके से करेंगे तो आज भी सिविल सर्जन सर इन लोगों को विमुक्ति का आदेश करेंगे। अगर ये लोग सही तरीके से आएंगी और सर से बात करेंगी, तो सर जरूर विमुक्ति का आदेश करेंगे, और हम भी यही चाहेंगे कि इन लोगों को विमुक्त किया जाए। चलिए देख सकते हैं कि पूरा गोलमाल है, पूरा गोलमाल है ऑफिस में, देख सकते हैं कि 20 भाग गए। यहाँ पर तो डॉक्टर आते हैं, हाजिरी चढ़ जाता है, चल जाते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, सब प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। यहाँ सरकार के तरफ से पैसा लिया जाता है, यहाँ का जनता वैसा है कि बोलता नहीं। आ तो दो आशा है कि खड़ी हुई कि हमारा ताकत मिला, इसलिए हम आए हैं बोलने के लिए। यहाँ पे तो खाना का पैसा ले लोग खा जाते हैं, सुई का पैसा खा जाता है, दवाई का पैसा खा जाते, सब लूट मार है, सब गोलमाल है, सब अधिकारी चोर है। आप लोग 20,000 दीजिएगा तो नौकरी आप लोग के पास जाएगा, तो चलिए 20,000 आप लोग दे दीजिए। आशा में भी लोग दलाली करती है, वो लोग भी करती है पैसे के लेके, पैसे के लेके आशा भी करती है। इन लोग में एकता होता तो आज किसी को अवकात नहीं था बोलने का। वीडियो साहब का बोला, क्या ड्रामा बा बरौली में भाई, क्या होता है, क्या होता बरौली में भाई, क्या होता में दलाली चलता, और कुछ नहीं, क्या चलते हैं, दवाई होने के दलाली चलता, दलाली चला, दलाल स्वास्थ्य केंद्र, हाँ वह माने दलाल स्वास्थ्य केंद्र, हाँ वह है।